यार यहाँ पे भी लाइट का आविष्कार करना चाहिए। सो गाइस हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, बस इसमें हल्का सा पानी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे आप सभी लोग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:56 और आज काफ़ी लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग से कुछ कर नहीं रहा था, सेम सब चीज़ आपको दिखा नहीं सकता कि ब्रेकफास्ट खाया ये वो। सो अभी का प्लान ऐसा है कि अभी हम छोटी सी राइड मार के आते हैं, सो आपको दिखाता हूँ, एक टाइप का ये मोटो व्लॉग होगा। सो उठाते हैं अपनी बाइक और लेट्स गो। और हाँ गाइस आज हम अकेले जाने वाले हैं, हमारे साथ जाने के लिए कोई नहीं है। मैं हो गया हूँ रेडी मोटो व्लॉगिंग के लिए और अब निकलते हैं एक राइड पे। मेरे साथ में है मेरी TVS रेडर जिसको मैं प्यार से बांडिया बुलाता हूँ। सो चलते हैं एक राइड पे। श्योरली नॉट कंफर्म वेयर वी आर गोइंग बट यार यहाँ पे भी रेड लाइट का आविष्कार करना चाहिए, जनता को जरूरत है। सो शाम भी होने वाली है, अभी टाइम हो रहा है 5:28। सो गाइस इस वाले अपार्टमेंट्स में मुझे एक फ्लैट लेना है, देख लो आप लोग। तो गाइस उधर जाके कोई फायदा नहीं है। तो गाइस आप लोगों को एक लाइन सुनाना चाहूँगा, अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किस की करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिश है तो ज़िंदगी जीने का मजा देती है। सो गाइस फाइनली घूमते घामते हम पहुंच चुके हैं मिठास सेक्टर 52 और अब चलते हैं अंदर कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं वापस घर के लिए। मैं यहां से जा रहा था, मैंने सोचा कि मिठास में कुछ खा के चलते हैं। सो चलते हैं अंदर, बाइक को यहीं करता हूं पार्क फिर चलते हैं। सो गाइस प्लान में आ गया है चेंज, अब मिठास जाने वाले थे लेकिन गए नहीं क्योंकि एक फ्रेंड आने वाला था हमारा, वो उसने मना कर दिया। तो अरावली अपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ पे हमारा डैडी है, सो आइसक्रीम लेते हैं और आइसक्रीम खाते हैं और फिर निकलते हैं वापस घर के लिए। सो अकेले जाने का मन नहीं कर रहा, कोई रहता साथ में तो सही लगता है। सो चलते हैं अब वापस, आइसक्रीम पहले खा लेते हैं फिर चलते हैं घर। सो गाइस खाते हैं बटर स्कॉच, ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो खाते हैं फिर निकलते हैं। सो अब मैं वापस जा रहा हूँ घर। ठंडी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हेलमेट का वाइज़र नहीं खोला जा रहा है, जैसे वाइज़र खोल रहे हैं वैसे ठंडी हवा आ रही है, नाक वाक सब ठंडी हो जा रही है। सो गाइस मम्मी वगैरह भी ट्रेन में बैठ चुके हैं, मम्मी पापा, और कल मॉर्निंग में अप्रॉक्स 5 से 6 बजे
वो पहुंच जाएंगे दिल्ली। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें इस 10 दिन में। सारे खाना खुद बनाना, सारी चीज़ें खुद करना, कपड़े भी खुद धोना, बर्तन भी खुद धोना। तो मम्मी आ जाएंगी, तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी के लिए सब्जी रात में ही बना दूँ। और क्योंकि सुबह तो 5-6 बजे मम्मी आएंगी, तो फिर 6 बजे कब बनाएंगे कब खाएंगे, इससे बढ़िया अभी सोच रहा हूँ बना दूँ। सो भाई ये कौन सी बाइक है? आई थिंक टर्मिनार। गाइस डोमिनार ले सो मैं सोच रहा हूँ कि मटर पनीर की सब्जी बनाई जाए। सो यहीं से लेके चलेंगे पनीर और मटर। घर पहुंच चुके हैं, मटर पनीर भी ले लिया है। इस साइड है मटर, इस साइड है पनीर, एक ही बननी में है। और सो सब्जी बनाते हैं, हमारे लिए भी सब्जी हो जाएगी और कल सुबह हमारे पापा आ जाएंगे तो उनके लिए भी हो जाएगी। सो अब लगते हैं खाना बनाने में, बाइक को करते हैं अंदर। रेडी कुकिंग, रेडी फॉर कुकिंग। गाइस हमारा लास्ट डे आज कुकिंग का, सो आप लोग बहुत मिस करोगे, मुझे पता है कुकिंग मेरी। सो अभी हमने टमाटर और वो क्या कहते हैं इसको, मटर को बॉईल करने के लिए रख दिया है और पनीर को काटेंगे अभी। और ये प्याज भी हमने काट लिया है। सो अब बनाते हैं मस्त सब्जी चटपटी और बनाते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसी बनती है सब्जी। फर्स्ट स्टेप इज कम्प्लीट, हमने पनीर फ्राई कर लिया है और ये है अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट, ये टमाटर का पेस्ट और ये प्याज का। सो अब स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। गाइस बहुत लोग पनीर फ्राई करके डालते हैं लेकिन बिना फ्राई करे स्वाद नहीं आता, तो हम फ्राई करके डालते हैं। सो गाइस मसाले देखो कितना मस्त फ्राई हो चुका है। सो मसाले रेडी हो चुका है और बस इसमें पनीर ऐड करना है। और किचन हमने पूरा साफ कर दिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए और अब रोटी बनाना भी स्टार्ट करते हैं। और हमारी सब्जी तो रेडी हो चुकी है, देखो कितनी टेस्टी लग रही है सब्जी, लग नहीं रही। और ये होगी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। सो आज लास्ट डे है सब्जी बनाने का, सो हमने बहुत अच्छे से बनाई है सब्जी। सो रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं और फिर डिनर करते हैं, बस मैं पनीर ऐड करता हूँ। सो गाइस हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, बस इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे और सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। सो देख लो, जिस इसको ट्राई करनी है, जिस इसको खानी है मेरे हाथ की सब्जी, वो मुझे मैसेज कर सकता है पर्सनली, सो मैं उसके लिए बना दूँगा। हाँ 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 रोटी बनाते हैं जल्दी। सो गाइस सब्जी रेडी हो चुकी है, अब हम करते हैं इसके ऊपर धनिया पत्ता स्प्रिंकल, इसे फाइनल टच रेसिपी। और इसको करते हैं बंद और इसको ढक देते हैं।
सो गाइस खाना पीना डन हो चुका है और अब सोने जा रहे हैं हम, और इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ गाइस, मम्मी कल सुबह 6 बजे तक आ जाएंगी दिल्ली।